गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ PL SQL। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कर्सर्स एंड ट्रिगर्स। कि व्हाट इज कर्सर और ट्रिगर क्या होते हैं। ये बेसिकली कर्सर काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा डेटाबेस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कर्सर जैसा इसकी डेफिनेशन बोलती है कि इट इज डिफाइंड एज अ वर्क एरिया वेयर अ SQL स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। बेसिकली कर्सर क्या है, एक स्पेस है, एक एरिया है जहाँ पे हमारी SQL स्टेटमेंट्स को क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको कहते हैं कर्सर। ठीक है, इसकी सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क एरिया वेयर SQL स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अ कर्सर कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑन ए सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड द रो ऑफ द डाटा एक्सेस्ड बाय इट। ठीक है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि कर्सर क्या है, एक वर्क एरिया है जहाँ पे हमारी SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। क्लियर। ठीक है, उसी तरह अब हमारे सिलेबस में अब हम इसके टाइप्स के बारे में कर लेते हैं कि PL SQL के जो हमारा PL SQL में कर्सर कितने टाइप के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ कर्सर, एक होता है हमारा इम्प्लिसिट कर्सर और दूसरे होते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कर्सर किसको बोलते हैं। जैसे इनका नाम बता रहा है इम्प्लिसिट कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर वो कर्सर होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं, जो पहले ही डेटाबेस ने बनाया होता है। जब भी हम कोई SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं अपने डेटाबेस में तो वो कर्सर ऑटोमेटिकली खुद बनते हैं। ठीक है, उनको हम नहीं बनाते ना उनको हम कुछ करते, ऑटोमेटिकली सिस्टम उनको बनाता है, उनको एग्जीक्यूट करता है और उनको यूज़ करता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब ऑटोमेटिकली बनते हैं। ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद डाटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज। ये हमारे जो कर्सर है ये किसके साथ एसोसिएटेड है, डाटा मैन्यूपुलेशन लैंग्वेज के साथ ये एसोसिएटेड है। ठीक है, इनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर्स। जैसा इम्प्लिसिट कर्सर्स आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द डेटाबेस व्हेन एवर SQL स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, उनको कहते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। व्हेन देर इज नो एक्सप्लिसिट कर्सर फॉर द स्टेटमेंट, ठीक है, देर इज नो एक्सप्लिसिट कर्सर फॉर द स्टेटमेंट, अगर किसी स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लिसिट कर्सर नहीं बने हैं तभी इम्प्लिसिट कर्सर क्रिएट किए जाएंगे। अगर हमने किसी स्टेटमेंट के लिए एक्सप्लिसिट कर्सर बनाया है तो उसके लिए क्या होगा, इम्प्लिसिट कर्सर नहीं बनेंगे। ठीक है, प्रोग्रामर कैन नॉट कंट्रोल द इम्प्लिसिट कर्सर एंड द इंफॉर्मेशन इन इट। ठीक है, जो हम प्रोग्रामर कौन हुए, जो प्रोग्राम लिखते हैं वो इम्प्लिसिट कर्सर को क्रिएट नहीं कर सकते ना उनको कंट्रोल कर सकते। इनको कौन कंट्रोल करता है, ओनली डेटाबेस। ठीक है, वेन एवर डीएमएल स्टेटमेंट कौन सी होती है हमारी, जो डाटा को मैन्यूपुलेट करती है, जैसे इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। ये जो SQL स्टेटमेंट्स है, अपडेट, इंसर्ट और डिलीट, ठीक है, इनका सिंटैक्स प्रॉपरली देख लेना और याद कर लेना क्योंकि बहुत यूज होगी हमारे PL SQL में। इज इश्यूड एन इम्प्लिसिट कर्सर इज एसोसिएटेड विद दिस स्टेटमेंट। ठीक है, जब भी हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे हम SQL में तो इनके इम्प्लिसिट कर्सर ऑटोमेटिकली क्या होंगे, बनेंगे। कौन बनाएगा, डेटाबेस। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके कर्सर्स के एट्रीब्यूट्स की, क्योंकि जो कर्सर्स में एक इनके एट्रीब्यूट होते हैं इनकी क्वालिटीज, उसके थ्रू हम देख सकते हैं कि कर्सर किस स्टेट में है, अभी रनिंग स्टेट में है या बंद तो नहीं हो गए या क्लोज तो नहीं हो गया, उनको कहते हैं इनके एट्रीब्यूट। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमें इनके पता होना चाहिए क्योंकि ये हर प्रोग्राम में यूज़ होते हैं हमारे जब हम कर्सर के साथ डील करते हैं। बेसिकली देर आर 4 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स, 4 तरह के एट्रीब्यूट होते हैं हमारे इम्प्लिसिट कर्सर में। 4 टाइप एट्रीब्यूट होते हैं हमारे, फर्स्ट है परसेंटेज फाउंड, सेकंड वन इज परसेंटेज इज ओपन, थर्ड वन इज परसेंटेज नॉट फाउंड, फोर्थ वन इज परसेंटेज रो काउंट। ठीक है, जैसे इनके नाम बता रहे हैं हमें कि परसेंटेज फाउंड का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज फाउंड का मतलब ये हुआ कि ये, और एक चीज़ और एक ध्यान में रखनी, जो इनके एट्रीब्यूट है हमेशा वैल्यू हमें आउटपुट हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं ट्रू या फॉल्स। कि परसेंटेज फाउंड क्या बताता है, रिटर्न ट्रू, ये रिटर्न करेगा ट्रू इफ एन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अफेक्ट वन और मोर रोज। ठीक है, अगर हमने इन स्टेटमेंट को क्या किया है, रन किया हुआ है, कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट हमने रन किए अपने टेबल में या डाटाबेस पे, तो क्या होगा, ये ट्रू तब देगा अगर ये रो कोई काम इफेक्ट कर रहे किसको, किसी टेबल को जाके, तब ये फाउंड का क्या होगा, तब आएगा हमें ट्रू। ठीक है, अगर ये किसी रो को इफेक्ट नहीं कर रहे तब हमें रिटर्न क्या करेगा, परसेंटेज फाउंड फॉल्स। ठीक है, इसका मतलब इसने कोई काम नहीं किया। इसी तरह नॉट फाउंड क्या है, नॉट फाउंड बिल्कुल अपोजिट है फाउंड का,
फाउंड हमारा ट्रू तब देता था जब हम कोई चेंज हो रहे हैं टेबल में, और परसेंटेज नॉट फाउंड ट्रू तब देगा जब कोई चेंज नहीं होगा नॉट फाउंड, ठीक है, ये उसकी तरह अपोजिट चल रहा है फाउंड। और दूसरा है थर्ड वन इज अवर परसेंटेज इज ओपन। परसेंटेज इज ओपन का मतलब है कि कर्सर हमारा खुला है कि नहीं, अगर कर्सर ओपन है तो हम रिटर्न, ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, अगर क्लोज है तो हमें रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है, ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर बिकॉज ओरेकल क्लोजेज द सिक्वल कर्सर ऑटोमेटिकली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इज एसोसिएटेड। ये क्या बोल रहा है, अगर हम परसेंटेज इज ओपन को इम्प्लिसिट कर्सर में कॉल करेंगे तो ये हमेशा हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि सिक्वल इसको ऑटोमेटिकली इन कर्सर्स को ओपन करता है और उसी टाइम बंद भी कर देता है, ठीक है। परसेंटेज रो काउंट, परसेंटेज रो काउंट क्या, रिटर्न द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड बाय द डीएमएल कमांड्स, जो हमारे डीएमएल कमांड्स हमने एग्जीक्यूट की होगी उनसे कितनी रोज अफेक्ट हुई उनके काउंट दे देगा कि दो रो अफेक्ट हुई, तीन रो अफेक्ट हुई, उसका हमारा काउंट आ जाएगा किससे, परसेंटेज काउंट, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कर्सर एट्रीब्यूट, इनका हमें पता होना चाहिए जब हम कर्सर में प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे वहाँ कर्सर्स के साथ। इम्प्लिसिट के साथ इतने यूज नहीं होते हैं, बट जब हम एक्सप्लिसिट कर्सर बनाएंगे वहाँ पे ये एट्रीब्यूट हमारे काफ़ी यूज़ किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर होते क्या है। एक्सप्लिसिट कर्सर आर प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर, ठीक है, कौन डिफाइन करता है इनको, प्रोग्रामर मतलब हम इन्हें खुद बनाएंगे फॉर गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर द कंटेक्स्ट एरिया। इस पे कंट्रोल होने के लिए कंटेक्स्ट एरिया पे, जिस बात जो हमने कर्सर की डेफिनेशन है उस पे हमारा ज़्यादा कंट्रोल होने के लिए प्रोग्रामर क्या बनाता है, एक्सप्लिसिट कर्सर। एन एक्सप्लिसिट कर्सर शुड बी डिफाइंड इन द, कहाँ डिफाइन किया जाता है इनको, इन द डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ द पी एल सी क्वल ब्लॉक, ठीक है। पी एल सी क्वल ब्लॉक में हमारे चार सेक्शन होते हैं, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फर्स्ट वन इज डिक्लेयर सेक्शन, ठीक है, सबसे पहला कौन सा होता है डिक्लेयर, अगला होता है बिगिन सेक्शन, फिर थर्ड वन होता है एक्सेप्शन सेक्शन, और लास्ट वन होता है एंड सेक्शन। पी एल सी क्वल प्रोग्रामिंग करने से पहले हमें इन सेक्शन को क्लियरली पता होना चाहिए कि इन सेक्शन में होता क्या है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर नंबर वन को अच्छी तरह से देख लेना अगर किसी को डाउट है कि पी एल सी क्वल प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। इट इज़ क्रिएटेड ऑन अ सिलेक्ट स्टेटमेंट विच रिटर्न मोर देन वन रो। ये क्या बोलता है, हम एक्सप्लिसिट कर्सर कहाँ बनाते हैं, जहाँ मोर देन वन रोज रिटर्न की जाती है, कहाँ से, सिलेक्ट स्टेटमेंट से, तब हम उसमें एक्सप्लिसिट कर्सर की मदद लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्लिसिट कर्सर को कैसे बनाना है, क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर तो ऑटोमेटिकली बनते हैं, वहाँ पे हमें उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब एक्सप्लिसिट कर्सर हमें खुद क्रिएट करने पड़ते हैं, और यहाँ पे हमें फोर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं जब हम इनको बनाते हैं। पहला काम होता है, फर्स्ट स्टेप इज अवर डिक्लेरेशन, सबसे पहले हमें कर्सर को डिक्लेयर करना पड़ता है कि कर्सर का नाम क्या है और उसमें कौन से टेबल का डाटा आएगा, उसको कहते हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। जब एक बार वो डिक्लेयर होगा उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारे को कर्सर को ओपन करना, ओपन का मतलब है उससे अब उसको मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है, मेमोरी में उसको उसका डाटा को लाना। फिर थर्ड स्टेप होता है हमारा फैचिंग, फैचिंग का मतलब है द कर्सर फॉर रिट्रीविंग डाटा, अब हम कर्सर से डाटा को ले रहे हैं और उस पर काम करेंगे, उसको कहते हैं फैचिंग करना। और लास्ट काम होता है हमारा क्लोज कर देना, किसको, कर्सर को हमें क्लोज करना है, क्योंकि अगर हम कर्सर को क्लोज नहीं करेंगे जो मेमोरी उसने ऑक्यूपाइड की होगी वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी, और हमारा हम उससे क्या होगा, मेमोरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी और हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए हमें इन फोर स्टेप्स का ध्यान रखना है जब भी हमने एक्सप्लिसिट कर्सर से काम करना है, सबसे पहले इसको डिक्लेयर करना है, उसके बाद इसको ओपन करना है, फिर इसमें डाटा फैच करना है, फिर उसके बाद उनको लास्ट में क्लोज कर देना है, ठीक है। सिंपल से स्टेप है हमारे एक्सप्लिसिट कर्सर में, और इनका सिंटैक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए नोट्स उसमें देख लेना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कर्सर कीवर्ड लिखना है, ठीक है, कर्सर कीवर्ड लिखना है, और उसके बाद कर्सर का नाम कुछ भी दे सकते हैं, उसके बाद इज कीवर्ड और उसका सिलेक्ट स्टेटमेंट जिस टेबल से हमने डाटा इम्प्लिसिट कर्सर में लाना है, क्लियर। और अब बात कर लेते हैं इनके एट्रीब्यूट्स की, इसमें भी वही सेम एट्रीब्यूट है जो हमारे इम्प्लिसिट कर्सर में थे, परसेंटेज फाउंड, परसेंटेज नॉट फाउंड, परसेंटेज रो काउंट, ठीक है, ये वही काम कर रहे हैं। परसेंटेज फाउंड का मतलब है ट्रू कब देगा, अगर हमारा कोई रो इफेक्ट होगी, अगर कोई रो इफेक्ट नहीं होगी, किससे इफेक्ट नहीं होगी, जो हम कमांड चला रहे हैं, इसका मतलब है अगर हमने डिलीट कमांड चलाई, अगर कोई डाटा डिलीट ही नहीं हुआ तो हमारा परसेंटेज फाउंड फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। परसेंटेज नॉट फाउंड ये अपोजिट है किसका, फाउंड का, ठीक है। रो काउंट हमें बताएगा कि कितनी रोज हमारी इफेक्ट हो रही है किससे, उस डीएमएल स्टेटमेंट से।
ठीक है, ट्रिगर के लिए मैं आपके एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, उसमें हम ट्रिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।